भक्तों, आज हम दर्शन करेंगे हाटकेश्वर धाम सेमली के और दुनिया का पहला गो माता मंदिर। इन दोनों के हम दर्शन करेंगे और इनको स्थापित किया है कथावाचक पंडित कमल किशोर जी नागर ने। और यहाँ पर कथा सुनने के लिए एक कथा स्थल, बहुत ही बड़ा कथा स्थल बनाया गया है, तो उसके भी हम दर्शन करेंगे। और यहाँ पर कान्हा जी की पूरी गाथा लिखी गई है, चित्र के द्वारा चित्रण किया गया है, उसके भी हम यहाँ पर दर्शन करेंगे। उसके पहले द्वार पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कलाकृति की गई है कलाकार के द्वारा। तो कलाकार की कलाकारी देखिए। और इस कथा स्थल का, यहाँ का पावन स्थल जो कि बहुत ही शांति प्रिय है, यहाँ इतनी शांति है कि आप ध्यान कर सकते हैं, आपका मन यहाँ पर लगा रहेगा, बहुत ही शांति स्थल है ये। मध्य प्रदेश में शाजापुर जिला के अंदर बोले नामक स्थान है, वहां पर हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। उस मंदिर से 6 किलोमीटर की दूरी पर ये कथा स्थल हाटकेश्वर धाम स्थित है। मालवा माटी के संत, मालवा माटी के लाल कमल किशोर जी नागर के द्वारा स्थापित ये भव्य कथा स्थल हाटकेश्वर धाम और गो माता का मंदिर हम बहुत ही जल्दी यहाँ पर देखने वाले है। ये देखिए कितना बड़ा कथा स्थल है, यहाँ पर हजारों श्रद्धालु एक साथ बैठकर कथा का आनंद लेते हैं। तो इस द्वार के बाहर हम जाकर देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या दिखाई देता है। तो देखिए ये यहाँ पर खेती भी है और एक तरफ आपको यहाँ तालाब दिखाई देगा जिसका नाम शुक्र सागर है। यहाँ पर सुलभ शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर चाय नाश्ते के लिए एक छोटी सी होटल भी यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ कैंटीन में आपको शुल्क के द्वारा भोजन मिलेगा, लेकिन यदि आप निशुल्क भोजन चाहते हैं तो आपको भोजनशाला में निशुल्क भोजन मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत ही सुंदर उद्यान भी बनाया गया है। और ये जो छतरी आप यहाँ देख रहे हैं, ये पंडित कमल किशोर जी नागर के माता पिता की प्रतिमा स्थल है। और इस उद्यान में बच्चों व बड़ों के लिए झूले की व्यवस्था भी की गई है। स्वर्गीय श्री राम स्वरूप जी नागर और राम प्यारी बाई जी नागर का प्रतिमा स्थल भी यहां पर बनाया गया है, जो कि गुरु जी के माता पिता थे और ये उनकी छत्रियां यहां पर बनाई गई है। अब हम अंदर चलकर देखते हैं, उसके पहले हम यहां द्वार पर देखेंगे
डिजाइन कैसी बनाई गई है, कलाकार के द्वारा कलाकृति देखेंगे। तो आप देख सकते हैं जय श्री कृष्णा और श्री हाटकेश्वर धाम यहाँ पर लिखा गया है। इस दीवार पर आप सुविचार देख सकते हैं जो कि मानव जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, और इस प्रकार के सुविचार इस कथा स्थल पर और सेमली धाम में हर जगह आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इस भव्य घंटे के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमें यहाँ पर कृष्ण लीला देखने के लिए मिलेगी और बहुत सारे सुविचार भी साथ में देखने के लिए मिलेंगे जो कि मानव जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आप भी उन विचारों को पढ़िए और अपने हृदय के अंदर उनको स्थापित कीजिए। मेरे श्याम अपना दीवाना बना लो, मेरे श्याम अपना दीवाना बना लो। भटकता हूँ कब से, भटकता हूँ कब से, चरणों में बिठा लो मेरे श्याम अपना दीवाना बना लो। बला जिंदगी का मकसद न कोई, कमाने में खाने में सब उम्र खोई, मुझे मेरे जीवन का। प्यारे भक्तगण, अब हम ऊपर चढ़ रहे हैं और अब हम दर्शन करेंगे हाटकेश्वर धाम के पवित्र शिवलिंग के। मुझे मेरे जीवन का मकसद नया दो, मेरे श्याम अपना दीवाना बना लो। न संतों की सेवा न दर तेरे आया, विषय वासनाओं में तुमको बुलाया, मेरे खाटू वाले, मेरे खाटू वाले, जीना सिखा दो मेरे श्याम अपना दीवाना बना लो। विमुख हो के तुझसे भटकता रहा हूँ, मैं नश्वर में जाको खटकता रहा हूँ, मुझे अपने दर का, मुझे अपने दर का भिखारी बना लो मेरे श्याम अपना दीवाना बना लो। भटकता हूँ कब से, भटकता हूँ कब से, चरणों में बिठा लो मेरे श्याम अपना दीवाना बना लो।
कथा स्थल से बाहर की ओर आने पर हम अब बढ़े हैं गोमाता मंदिर की ओर, लेकिन उसके पहले हमें ये शेर दिखाई दिया तो हमने सोचा कि आपको भी ये शेर दिखा देते हैं। ऐसे दो शेर यहाँ पर लगे हैं, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है गौशाला और गोमाता मंदिर। अब हम इसकी ओर अग्रसर होते हैं, पास जाकर देखते हैं किस तरह से दिखाई देती है। और ये गौशाला आप यहाँ देख रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी गौशाला है और यहाँ के पशु जंगल में भी चरने के लिए गए हैं। गौशाला के सामने ही आपको एक उद्यान दिखाई देगा जो कि हमारे देश के जवान शहीदों के भव्य स्टैचुओं के द्वारा सजा हुआ है। देखिए आसपास जैसी बॉर्डर में फेंसिंग होती है वैसी फेंसिंग यहाँ पर लगाई गई है और टैंक, तोप, बंदूक सभी से लैस यहाँ पर जवान हमें दिखाई दे रहे हैं तिरंगे के साथ में। अब हम रास्ता देखते हुए जाएंगे इधर से रिटर्न में, कौन कौन सी जगह हमें यहाँ पर दिखाई देती है। रास्ता बहुत ही लंबा है और यहाँ पर इतनी शांति है, इतने घने जंगल हैं, इतने हजारों यहाँ पर वृक्ष लगाए गए हैं गुरुजी के द्वारा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीजन की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, भरपूर सात्विक यहाँ पर आपको वातावरण दिखाई देगा। भक्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो में दिखाए गए दृश्य कमल किशोर जी नागर जी के द्वारा स्थापित ये कथा स्थल हाटकेश्वर धाम के दर्शन आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर भारत के छोटे छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों के दृश्य नज़ारे दिखाए जाते हैं, वो भी जानकारी के साथ में भारत के तीर्थ स्थल उनके दर्शन कराए जाते हैं घर बैठे ही। और हमने आपको घर बैठे ही इतनी अच्छी पवित्र जगह के दर्शन कराए हैं, मालवा माटी के लाल कमल किशोर जी नागर और उनकी माता पिता के आपको दर्शन कराए हैं। भक्तों गुरुजी का गांव सेमली है, वहां पर इनका कथा स्थल था, मंदिर था, वहां पर भक्तगण कथा सुनने आते थे, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज़्यादा होती थी कि वहां जगह कम पड़ने लगी, तो इसलिए ये नया स्थल बनाया गया। यहां पर हजारों लोग एक साथ कथा सुन सकते हैं। और अब हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे पुराना वाला कथा स्थल, पुराना मंदिर, पुराना हाटकेश्वर धाम, सेमली धाम। और भक्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कमल किशोर जी नागर गुरुजी की आपने कथा सुनी है या नहीं सुनी है, उनके मुख से आपने कथा कभी सुनी है। यदि सुनी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा आनंद आया, आपका अनुभव यहाँ पर शेयर कीजिए, साझा कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।